हसबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आयश। आज का हमारा टॉपिक है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे आप किस तरह से वेबसाइट क्रिएट्स करते हो। मैंने आपको बहुत सी पहली वीडियोस दिखाई हैं, उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, ठीक है। आज भी फर्दर मैं आपको बताऊंगी। आज हमारा वर्डप्रेस का लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। इसमें मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि आप किस तरह से बाकी सॉफ्टवेयर को प्लग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से ये इंस्टॉल होते हैं। सिंपली आप अपना वर्डप्रेस ओपन कर लोगे, यहाँ पर लॉग इन कर लोगे अपनी ईमेल और अपने पासवर्ड के साथ। ये मैंने कर लिया है। अपने डैशबोर्ड में आके सिंपली आप पेजेस में जाके न्यू पेज करोगे। यहाँ पर हम गैलरी का पेज एडिट करेंगे, जैसे हमने लास्ट वर्डप्रेस में किया था कि एक गैलरी का पेज बनाया था, होम पेज बनाया था। सिंपली इसमें भी जाके हम अपना पेज बनाएंगे। ऐड टाइटल पे आप लिखोगे गैलरी, प्लस का निशान आप देख रहे होगे, यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करोगे, यहाँ पे पिक्चर्स ऐड कर लोगे, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। यहाँ पे एक गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, गैलरी पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे ये आ जाएगा। मीडिया लाइब्रेरी में जाओगे, मीडिया लाइब्रेरी में जाके अगर आपने अपने दी हुई पिक्चर्स अपलोड करनी है तो आप अपलोड फाइल में जाओगे। अगर आपने मीडिया लाइब्रेरी से लेना है तो सिंपल आप मीडिया लाइब्रेरी से ले लो। तो मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रही हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है। सिंपली यहाँ पे आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लोगे, जो जो आपको पिक्चर्स चाहिए। ये मैंने सारी पिक्चर सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। आपको जो जो भी चाहिए आप ले लो और सिंपली आप इसको कर दोगे क्रिएट न्यू गैलरी में। आपको जो भी फ्रंट पे रखनी है, सेकंड पे रखनी है, थर्ड पे रखनी है, जिस तरह से भी आपको करनी है आप ले लें पिक्चर्स। यहाँ से मैंने ऑलरेडी मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी पिक्चर्स मौजूद थी, तो यहाँ से मैंने कुछ अपलोड फाइल्स लिए हैं। सिंपल क्रिएट अ न्यू गैलरी में करोगे और सिंपली इंसर्ट गैलरी कर दोगे तो ये आपकी गैलरी में सारी पिक्चर्स वगैरह ऐड हो जाएंगी। सिंपल इसी तरह से आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं। आप शो मोर पिक्चर्स में जाकर, जिस तरह से आप पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं तो थ्री डॉट का ऑप्शन आता है, आप शो मोर में जाके पेजेस में सिंपल जाके तो वहीं से भी आपसे फीचर इमेजेस कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपको इजी हो। ये फर्दर मैं आपको ऑप्शंस दिखा रही हूँ, आप इसमें और क्या कर सकते हैं। ये सारा स्क्रॉल डाउन हो रहा है, जिस तरह से हमने अपने फर्स्ट मैंने आपको स्टार्टअप बताया था गैलरी तैयार करने के लिए, इस तरह से आप कोई भी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। स्लाइड शोज चाहिए, जिस तरह से चाहिए। मैंने सिंपली इमेजेस लिए हैं, गैलरी से उठाए हैं। पैटर्न्स में जाना चाहें तो आप पैटर्न्स में भी जा सकते हैं, प्लस के निशान पर क्लिक करके। ये आप पैटर्न्स में देख सकते हैं। सिंपली हमने अपना गैलरी सेलेक्ट कर लिया, पेजेस पेज इमेजेस। यहाँ पे सिंपल जाके अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, सिलेक्शन करना चाहें। यहाँ पे आप अपने करेक्टर्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल अगर ये आपकी गैलरी के पेजेस आ जाएंगे। अगर आपको इसमें से किसी को रिमूव करना है या ऐड करना हो, यहाँ पे सिंपली टेम्पलेट्स में जाएंगे। अगर आपको कोई टेम्पलेट वगैरह चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से कोई टेम्पलेट चूज़ कर लेंगे बना बनाया, ठीक है। ये पैटर्न टेम्पलेट्स है, पैटर्न टेम्पलेट्स आप ले सकते हैं या पेजेस में जाकर सिंपल टेम्पलेट्स ले सकते हैं, जो भी आपके थीम के अकॉर्डिंग आपको चाहिए। आप शॉपिंग से रिलेटेड बना रहे हो या जिस चीज़ से भी रिलेटेड बना, तो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, हम एजुकेशन से रिलेटेड ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। अगर आप लेना चाहो तो ये सिंपल तरीका एक और था जो मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है, सिंपली आप इसे क्या करोगे, पब्लिश कर दोगे। ये सिंपली मैंने आपको पेज रिफ्रेश करके भी दिखा दिया, गैलरी का पेज। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास गैलरी का पेज मौजूद नहीं है, तो सिंपली आप क्या करोगे, जिस तरह से हम मैंने आपको पहले बताया था, आप सिंपली आप अपने वर्डप्रेस में जाओगे, वर्डप्रेस में जाके मेन्यू में जाके अपना पेज ऐड कर लेंगे आप। सिंपली आप अपनी वेबसाइट में, अपने डैशबोर्ड में वापस जाएंगे, यहाँ पे अपीयरेंस में जाकर, अपीयरेंस में जाके आप मेन्यू में जाओगे, मेन्यू में जाके आप अपना पेज सिंपली ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ये गैलरी का पेज है, यहाँ पे आप ऐड टू मेन्यू में जाएंगे, ये मैं सारा आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा रही हूँ। ऐड न्यू पेज गैलरी, ऐड न्यू, ऐड टू मेन्यू, मेन्यू में ऐड करेंगे आप, ये आपके मेन्यू में ऐड हो गया, और आप सिंपली उठा के इसको होम के नीचे रख दोगे, और सिंपली आप क्या करोगे, ये मेन्यू को सेव कर देंगे। सेव मेन्यू का नीचे ऑप्शन मौजूद है, सिंपली आप क्या करोगे, इसको सेव कर दोगे। ठीक है, आपका गैलरी का पेज इंसर्ट हो गया। इसको सेव करने के बाद आप क्या करोगे, आप प्लगइन में जाओगे, ऐड न्यू प्लगइन में ओपन करके सर्च बार में जाओगे, सर्च बार में आप वो लिखोगे टेडियो, टेडियो लिख ले, नहीं तो लेफ्ट लाइव चैट लिख रहे हैं, मैं टेडियो लिख रही हूँ बट टेडियो सर्च नहीं हो रहा, उसे मैं लाइव चैट लिखूंगी। आप अपने सर्च बार में टेडियो लिख रहे हो बट टेडियो सर्च नहीं हो रहा, सिंपली आप ऊपर लाइव चैट लिखोगे, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो टेडियो आ जाएगा, टेडियो को आप एक्टिव करोगे, एक्टिव करने के बाद आप सिंपली उसे इंस्टॉल कर लोगे, तो आपके डैशबोर्ड के जितने भी मेन्यू है उसमें वो ऐड हो जाएगा, आप टेडियो पे क्लिक करके और साइट को ओपन कर लोगे। यहाँ पे ये टेडियो आ गया, टेडियो को सिंपली आप क्या करोगे, इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद आप इसको एक्टिव कर लोगे तो आपके इसके डैशबोर्ड में ये आपको नज़र आ जाएगा, सिंपली टेडियो का ऑप्शन। सिंपली आप क्या करोगे, टेडियो को ओपन करने के बाद उसको लॉगिन कर लोगे, और लॉगिन के बाद आप कर दोगे ईमेल और पासवर्ड के साथ, गेट स्टार्टेड कर दोगे आप, गेट स्टार्टेड आई अग्री इस पे आप टिक करोगे, तो यहाँ पे आप सिंपली गेट स्टार्टेड कर दोगे। सिंपली आपकी लोडिंग हो रही है, आप इसको लोड कर लोगे, लोड करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे नेम लिखना है, अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है, आपने जो भी रखा हुआ है, ठीक है, इसको हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नेम रख लिया है, आप अपनी वेबसाइट का जो भी नेम रखना चाहो आप रख लो, कलर थीम आपको जो भी चाहिए, यहाँ पे नीचे कलर थीम दिए हुए हैं, मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड ब्लू है तो मैंने ब्लू को सिलेक्ट किया, आप ग्रे या कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे आप सभी ऑप्शंस को आई वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ये सब पे टिक करोगे, यहाँ पे आप कितने मेंबर्स हो, एजेंट्स हो जो वेबसाइट्स के लिए काम करें, एक ही एजेंट्स है, यहाँ पे आप देखें कि आपकी वेबसाइट से बिलोंग करा है नहीं करा, तो आप सिंपली
यहाँ पे आप अदर में जाओगे, अदर में जाके आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, 26 से 250 आपको मंथली चाहिए, इसको कंटिन्यू कर लोगे। यहाँ पे आप सिंपली ऑप्शंस दिए हुए कि आप वार्म वेलकम देना चाह रहे हो या कोई आपसे कॉल के जरिए कांटेक्ट कर सके, तो सिंपली हम कॉल के लिए यहाँ पे कांटेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप इस मैसेज को कस्टमाइज़ करना चाह रहे हो, ऊपर ऑप्शन है कस्टमाइज़ का, मैसेज कस्टमाइज़ करने का, तो यहाँ पे सिंपली आप मैसेज अपना कस्टमाइज़ कर लो, जिस तरह से भी आप डिलीवर करना चाह रहे हो कस्टमर को। यहाँ पे ये मैसेज हो गया, सिंपली आप क्या करोगे, इसको ये इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल विजिट कर लोगे। ठीक है, ये आपके पास मैसेज इंस्टॉल हो जाएगा और ये आपकी वेबसाइट पे भी सिंपली इसी तरह से शो होगा। जब आप अपनी वेबसाइट पे चेक करोगे या आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर लोगे F5 से, तो सिंपली ये आपके पास शो हो जाएगा। अगर ये आपके पास शो नहीं हो रहा तो सिंपली आप दोबारा जाओगे अपने डैशबोर्ड पे, रेडियो को ओपन करोगे, क्योंकि आपका वहाँ पर लाइव चैट का बटन शो नहीं हो रहा, तो आप सिंपली यहाँ पर जाकर यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला चाहिए ऐड विजिट टू योर वेबसाइट। ठीक है, आप इसको सिंपली सेलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और वर्डप्रेस आपने लेना है, जावास्क्रिप्ट और वर्डप्रेस आप लोगे। ठीक है, इसमें सिंपली हम पहले जावास्क्रिप्ट में जाएंगे। जावास्क्रिप्ट में क्या करना है, आपने करना है ओपन कोड सेक्शन, इसको ओपन करोगे, यहाँ से आपने कोड कॉपी करना है। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट पूछा है कि आप अपने डैशबोर्ड में गए, आपने प्लगइन में जाके एड न्यू में गए, सिंपली ये सारे हमने स्टेप्स कर लिए, तो यहाँ पे आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लोगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट भी कर लिया, टीडीओ चैट ओपन भी हो गया, उसको लॉगिन भी कर लिया, ये सारे स्टेप्स हो गए। जस्ट आप इस कोड को ओपन करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे और वापस आप जाओगे अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड में जाके अपीयरेंस में जाके थीम में जाओगे। थीम में जाने के बाद सिंपल आप क्या करोगे, थीम फाइल एडिटर में जाओगे आप। थीम फाइल एडिटर में जाके थीम फाइल एडिटर को ओपन कर लोगे आप। ठीक है, ये थीम फाइल एडिटर हमारा ओपन हो जाएगा अभी। यहाँ पे आपने आई अंडरस्टैंड करना है, गो बैक नहीं करना। ठीक है, तो हम वापस अपने पेज पे आ गए हैं। दोबारा आप क्या करोगे, आप पेरेंट्स में जाके थीम में जाओगे, थीम में जाके आप थीम वीडियो एडिटर में जाओगे। ये हम आ गए, यहाँ पे आपने फुटर PHP जाना है, फुटर PHP आप ओपन करेंगे तो बॉडी से पहले वाला जो सेक्शन होगा, सिंपली आपने वो वहाँ पर जाके ये कोड पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास ओपन हो गया है। यहाँ पर आपने देख लेना है, ये है बॉडी, बॉडी से पहले आपने जाके इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप पेस्ट करोगे इसको सिंपली कोड को और नीचे जाके आप अपलोड फाइल कर दोगे। इस तरह से आपका ये आइकन शो होना शुरू हो जाएगा आपकी वेबसाइट पर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं आपका आइकन शो हो रहा है आपकी वेबसाइट पर। ये रिफ्रेश होगी हमारी फाइल। अगर आज का आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा और अगर आपको कुछ समझ नहीं आई हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप सिंपली इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।